मुरादाबाद के एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल ने एक और 80 वर्षीय महिला का सफल इलाज कर मेडिकल क्षेत्र में कामयाबी हासिल की है। महिला जो भी खाती पीती थी वह पेट में नहीं जाता था और उल्टी के जरिए बाहर निकल जाता था। गाजियाबाद और दिल्ली जैसे बड़े अस्पतालों में भी कोई राहत न मिलने के बाद कंसल्ट के लिए अमरोहा से मुरादाबाद पहुंची, जहां पर एशियन अस्पताल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती ने जांच के द्वारा देखा कि मरीज के फूड पाइप और पेट का जंक्शन बंद है। इसी वजह से महिला जो भी खाना खाती है वह नीचे नहीं जा पाता और बार बार उल्टी होती रहती है। इस बीमारी को कार्डिया कहते हैं। इस बीमारी में भोजन और तरल पदार्थ पेट में जाना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती ने मरीज को भर्ती कर अत्याधुनिक तकनीक पोयम, जो कैमरे के साथ एक लचीली ट्यून जैसे मायोट्रोमिंग कहा जाता है, उससे बिना ऑपरेशन किए ही उस बंद नली को खोल दिया और अब महिला आसानी से खाना पीना कर रही है। पोयम के माध्यम द्वारा सफल इलाज के लिए एशियन विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत पांडे, रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हिलाल अहमद और शोएब मलिक ने डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती एवं उनकी टीम को शुभकामनाएं दी। इस बीमारी का सफल उपचार मुरादाबाद एवं आसपास के जिलों में केवल एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में ही अभी तक संभव हो सका है। नमस्ते, मेरा शुभ नाम है डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती। मैं एशियन विवेकानंदा हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ लगभग 3 महीने से। तो आज हम चर्चा करने जा रहे वाले एक ऐसे प्रक्रिया के बारे में या ऐसे प्रोसीजर के बारे में जिसे पोएम कहते हैं, POEM यानी पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी। ये बहुत ही स्किलफुल प्रोसीजर है जो कि अभी तक पूरे मुरादाबाद ज़िले में कभी किया नहीं गया है। पोएम प्रोसीजर आमतौर पर उत्तर प्रदेश में आपके बड़े शहर है जैसे मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया या फिर दिल्ली में ही होता था। मुरादाबाद में इसके पहले कभी नहीं हुआ। तो एक्चुअली मैं आभारी हूँ शीला देवी जी का कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और वो इस जटिल प्रक्रिया प्रोसीजर को यहाँ पे मुरादाबाद में करने का हमें अवसर दिया। बेसिकली जो पोएम प्रोसीजर है वो किया जाता है एक बीमारी के लिए जिसका नाम है एक्लेजिया कार्डिया। तो एक्लेजिया कार्डिया होती क्या है, जो हमारे खाने के जो फूड पाइप है, खाने का जो पाइप है वो और हमारी पेट की जो थैली है जिसे स्टोमेक कहते हैं, जो स्टोमेक और जो फूड पाइप है उसका जो जंक्शन है वो बहुत ही टाइट हो जाता है। जब हम आप इवन आप जब घूंट भी भरते हैं तब देखिए, आप जब घूंट भरेंगे तो हमारे खाने के पाइप जो है वो ओपन होना चाहिए और अलाउ करना चाहिए जो भी सलाइवा वगैरह हो गया उसे स्टोमेक में पास करने के लिए। तो सिमिलरली जब हम लोग खाना खाते हैं चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड हो, ये क्या होगा, जैसे ही हमारे फूड पाइप में आएगा फूड पाइप एक सिग्नल देगा कि जो हमारे फूड पाइप और स्टोमेक की जो जंक्शन है उसे रिलैक्स करना चाहिए, ठीक है, तभी खाना जा पाएगा। तो इसे कहते हैं एलियस रिलैक्सेशन फेज। तो ये जो बीमारी है एक्लेजिया कार्डिया, इसमें एलियस रिलैक्सेशन जो है वो नहीं हो पाता उचित ढंग से। इस वजह से क्या होता, खाना फूड पाइप से स्टोमेक में नहीं जा पाता और फूड पाइप में ही जमा होने लगता। तो यूजुअली पेशेंट को क्या होता है, पेशेंट खाते हैं खाना, खाना खाने की पाइप में ही रह जाती है, 2-3 दिन का खाना रहता है और बाद में वो वॉमिटिंग में बाहर चला जाता है। तो शुरू में ये सॉलिड खाने से ही दिक्कत होती है, बाद में धीरे धीरे लिक्विड भी उनको नहीं जा पाता क्योंकि खाना सब तो ऊपर ही है, नीचे हमारी छोटी आंतें स्टोमेक तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे पेशेंट का वेट लॉस होना सामान्य है और कई बार ये डायग्नोसिस जो है करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए कई बार पेशेंट को कई जगह दिखाना पड़ता है। जब तक कि नहीं डायग्नोसिस बनाते तब तक यूजुअली उनका 10 kg या उसके ऊपर वेट लॉस हो जाता है। ये कोई कैंसर नहीं है। हाँ, पहले भी इसका इलाज किया जाता था, तो पहले ओपन सर्जरी किया जाता था। जो हमने किया है यहाँ पे वो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है जिसमें ऊपरी तौर पे कोई कांट टाका या चीरा नहीं रहता और पेशेंट जैसे हमने आप देख सकते हैं कल ही प्रोसीजर हुआ और आज हम लोग इनको छुट्टी दे पा रहे हैं। तो एंडोस्कोपिक जो प्रोसीजर है उसमें काफ़ी एडवांसमेंट आया है और उसके लिए एसेसरीज काफ़ी लगते हैं। तो मैं आधार व्यक्त करता हूँ कि एशियन विवेकानंदा ने मुझे सारे औजार दिए एंडोस्कोपी के साथ में, जो हमें लगता है
ट्रायंगुलर टिप नाइफ लगता है, हमें लगता है आपका ब्लंट एज नाइफ लगता है, एल हुक नाइफ लगती है, वॉक ग्रेस्पर लगती है, सारे महीन महीन काम करने करने के लिए हम ये सामान चाहिए जो कि हमें प्रोवाइड किया गया था, जिसकी वजह से एक सक्सेसफुल सर्जरी हो पाई है। तो ये जो पोयम है, ये पोयम जो है कैसे किया जाता है, बेसिकली इसकी करने की पद्धति कैसी है? हाँ, मुरादाबाद में इसके पहले कभी भी पोयम प्रोसीजर नहीं हुआ है। कितना समय इसको? मुझे 45 to 50 मिनट्स का समय लगा। पेशेंट आप देख सकते हैं, पेशेंट एकदम अच्छे हैं, अभी वो खा रही है, अभी इनको एडवाइस दिया गया है कि एक हफ्ते तक लिक्विड टू सेमी सॉलिड डाइट ही ले, एक हफ्ते के बाद मैं उनको फिर से रिव्यू करूंगा, उसके बाद डाइट में ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप उनका हमने नॉर्मल डाइट की तरफ जाएंगे। नहीं, दिक्कत परेशानी नहीं होगी, वो उसका कारण ये है क्योंकि ये बीमारी में तो कोई ट्यूमर या अल्सर था ही नहीं, जस्ट जो नॉर्मल मसल थोड़ा कम काम करना चाहिए वो ज्यादा काम कर रहा था, तो हमने क्या किया उनके लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स को छोटा कट दिया, जिससे क्या होता है वो जो स्पैज़म में हो रहा था, वो अधिक काम कर रहा था, वो लूज किया हमने और कुछ नहीं किया। देखिए बेसिकली यहाँ पे तो एसेसरीज का खर्चा ही ज्यादा है, क्योंकि जो मैंने कहा टीटी के नाइफ है आपका, उसके बाद आपका एल हुक नाइफ है, क्वाक ग्रेस्पर है, फिर जो टनल से हम लोग जाते हैं वो टनल को बंद करना है, उसके लिए जो डिस्पोजेबल क्लिप्स रहते हैं, ये सब मिला के मुरादाबाद पे तो मैं बोलूँगा कि दिल्ली में यूजुअली 4 लाख के आसपास लगता है, जबकि इनका हमने तो प्रोसीजर 1.3-1.4 लाख में कर दिया, ऑल इंक्लूडिंग, मतलब ऑल इंक्लूसिव, दवाइयाँ, रहना, आईसीयू में चार्ज, ओटी चार्ज वगैरह सब मिला के उनको उसमें किया। मरीज एडमिट हुई 2 दिन हो गया, कल प्रोसीजर हुआ, आज डिस्चार्ज करेंगे।